तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ऑल न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस गाड़ी का डिज़ाइन, जो इसका साइज है कितना ज़्यादा शानदार आपको साइज ऑफर किया गया है। इस गाड़ी की जो ओवरऑल लंबाई है ये क्रेटा और सेल्टॉस से ज़्यादा आपको ऑफर की गई है। इंटीरियर में आपको सारे प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए गए हैं, लेकिन इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सामने आ रहा है वो है इसका ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम का होना। साथ ही ये अपने सेगमेंट की एकमात्र ऑफरिंग है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन दिया गया है। तो समझेंगे कैसे टोयोटा का ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम काम करता है। और ये अपने सेगमेंट की एकमात्र ऑफरिंग है जिसमें आपको एक फुली फंक्शनल सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एसयूवी के सारे फंक्शन ऑफर किए गए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गाड़ी के डिज़ाइन को। तो टोयोटा ने इसका जो पूरा डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा स्लीक और मॉडर्न रखा है। अगर आप रियर की पूरी प्रोफाइल देखें तो काफ़ी स्लोपिंग रूफ आपको दी गई है जिससे गाड़ी में पूरा पूरा एक मॉडर्न स्टांस आता है। अब आइए देखते हैं गाड़ी के साइड के लुक्स को। तो यह है आपकी जो नई टोयोटा के हाईराइडर है इसके डिज़ाइन साइड फ्रंट से। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो टोयोटा ने इसमें 17 इंचेस के अलॉयज ऑफर किए हैं, इसके डिज़ाइन के साथ बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी टोयोटा की हाइब्रिड की बैजिंग, जो कि आप देख सकते हैं। अब आप आ चुके हैं अपनी ऑल न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर के फ्रंट के डिज़ाइन में। यहाँ पर टोयोटा का जो आपको एक जैपनीज कैरेक्टर है, जो टोयोटा की बाकी गाड़ियों में आप देखेंगे, इंटरनेशनली देखेंगे तो जो एक स्लीक फ्रंट है, जो एक एग्रेसिव फ्रंट है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ी ब्रॉड आपको फ्रंट में ग्रिल ऑफर की गई है, जो DRLs ऑफर किए गए हैं, डुअल आपको DRLs ऑफर किए गए, उसी में आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर का फंक्शन दिया है, वो भी बहुत शानदार लग रहा है। साथ ही आप देखेंगे जो नीचे ऑफर किया गया है इसके फुली फंक्शनल LED हेडलैम्प्स, जिसमें आपको पूरी क्रोम बेजल दी गई है, ये भी बहुत अल्टीमेट लग रहा है। आप देखिए इसमें फ्रंट में मैं कोई भी पार्किंग सेंसर नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आपको क्योंकि इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलता है तो यहाँ पर आपको फ्रंट मॉड्यूल देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा नाम है अर्बन क्रूजर हाईराइडर, तो ये कुछ इसके नाम। और फ्रंट ग्रिल देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा क्रोम का काम देखने को मिलेगा, एक क्रोम फ्रंट दिया गया है। और एक और चीज़ देखिए ना, टोयोटा ने अपना जो लोगो है ये थोड़ा सा मैट फिनिश में दिया है, तो इससे थोड़ा अलग है, फुल क्रोम नहीं है, सिल्वर के साथ दिया गया है। और एक और चीज़ देखिए ना, इसमें जो फ्रंट का ये वाला पार्ट है इसमें भी थोड़ा सा वुडन फिनिश दी गई है, जो कि ऐसे कुछ नोटिस करेंगे आप। ये रही गाड़ी की पूरी फ्रंट की प्रोफाइल। और गाड़ी का जो बॉनेट है काफ़ी एक्सटेंडेड आपको फील होगा, मतलब एक जैसे मैं कहूँ ना इंटरनेशनल गाड़ियाँ रहती है, मॉडर्न कार्स रहती है, वैसा एक टोयोटा ने पूरा डिज़ाइन आपको ऑफर किया है। उसी के साथ फ्रंट में जो एरोडायनामिक फ्रंट है उसको और बेहतर बनाने के लिए ये वाला पार्ट बिल्कुल आपको पैक मिलेगा। कुछ ही स्लॉट्स ओपन है इसमें, ये ओपन है, नीचे कुछ ओपन है, जिससे इस गाड़ी का जो एरोडायनामिक ड्रैग है वो काफ़ी कम होगा, इसकी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ेगी, वो सब कुछ आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आइए गाड़ी के साइड की प्रोफाइल में। गाड़ी लंबाई वाइज बहुत सही है, अगर आप इसकी ओवरऑल लंबाई भी देखते हैं ना, 4365 mm इसकी ओवरऑल लंबाई है, जो कि इसके सेगमेंट में सबसे बड़ा बनाती है इसको। इससे इसमें जो सेकंड रूम में पूरा स्पेस है वो सबसे अच्छा मिलेगा। बूट की बात करेंगे, देखते हैं क्या कुछ है बूट में। टेल लैंप्स देखिए, कुछ ऐसे रैप अराउंड डिज़ाइन दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कैसे है। और उसी के साथ कुछ ऐसा आपको फुली LED है। साथ ही यहाँ पर देखिए जो टोयोटा का लोगो है, थोड़ा सा प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है, क्रोम का यूज़ नहीं किया गया, थोड़ा सा डल फिनिश है, थोड़ा मैट फिनिश है। और पीछे क्योंकि ये इसका टॉप मॉडल है, जो बेस मॉडल है उसका नाम है E मॉडल, S मॉडल, G मॉडल और टॉप मॉडल है V मॉडल, हाइब्रिड की ब्रांडिंग है। आप देखिए गाड़ी के बूट स्पेस को। यहाँ पर आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर में 353 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अब अगर आप सेल्टॉस को देखेंगे उसमें 433 है, क्रेटा में भी 433 है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है तो इसमें आपको एक बड़ी बैटरी मिलती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब यहाँ प्लेस की गई है आपकी, अगर देखिए ना, हाईराइडर की एक लिथियम आयन बैटरी, जिसकी अपनी एनर्जी कैपेसिटी 4.5 AH के आसपास है। और अगर किलोवाट आर में आप देखेंगे तो 0.5 किलोवाट आर के रेंज में इसकी एनर्जी कैपेसिटी है, एक एक्चुअल इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन इस गाड़ी की जो अपनी USPs है, सारे कनेक्टर्स आप देख सकते हैं, फुली एल्यूमिनियम शील्डिंग इसको दी गई है। और बूट को कितना डिस्टर्ब ही कर रही है, इसको अगर मैं हटाया था तो इसको मैंने हटा दिया ये पैनल, फिर इतना कुछ और बूट स्पेस आपके लिए ओपन हुआ है। लगेज लैंप यहाँ देखेंगे, इतना कुछ है, मतलब कंपैरिजन से थोड़ा कम है, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा देता है, क्योंकि वो बेसिकली एक नॉर्मल पेट्रोल और डीजल कार है, लेकिन ये हाइब्रिड गाड़ी है तो ये इसका बैटरी देने के बाद भी अच्छा बूट स्पेस है। अब मैं बता रहा था आपको कि ये 0.5 किलोवाट आर की बैटरी सिर्फ अपने इलेक्ट्रिक मोड में इस गाड़ी को 25 किलोमीटर की रेंज तक खुद चला सकती है। इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं होगा, फिर भी ये विदाउट इंजन के स्टार्ट किए सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में ही 25 किलोमीटर चल जाएगी। कंपनी क्लेम फिगर है 25 किलोमीटर, रियल लाइफ में 10 से 12 15 किलोमीटर बिना इंजन को स्टार्ट करे बहुत इजीली जो सिटी कम्यूट आप करते हैं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी क्लाइडिंग इन्ना ऑफर करी है, अच्छा ग्रैब हैंडल दिया गया है। एक और चीज़ देखिए, बाकी ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। एक और चीज़ देखिए, थोड़ा स्पोर्टी चीज़ जो बनाई गई ना, ये पार्ट आप देखेंगे
काफ़ी प्रीमियम मटेरियल दिया गया है। पीछे आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और जो सारे आप टर्न इंडिकेटर देखेंगे बहुत नीचे प्लेस किया गया है। हेडलैम्प्स भी आपने देखे थे बहुत नीचे की तरफ है। तो ये भी कोई नई डिज़ाइन फिलोसफी पता चली जो टोयोटा यूज़ कर रही है। और यहाँ आप देखेंगे सारे के सारे ये चीज़ों को। और गाड़ी की अंडर बॉडी आप दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको प्लेस किया गया है एक स्पेयर व्हील, जिससे गाड़ी का बूट स्पेस और बढ़ रहा है। कुछ आपको पूरे सस्पेंशन के एलिमेंट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये तो कुछ रहा गाड़ी के बाहर से कैसा कुछ है। बाकी मेन चीज़ तो है भाई साहब इसका इंजन, उसी के साथ जो हाइब्रिड सिस्टम है किस तरीके से काम करेगा वो समझाऊंगा। और गाड़ी में शार्क फिन एंटीना है, पानोरामिक सनरूफ है, और ये टोयोटा की इस बजट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग के, जैसे भी ये लाएंगे फिर भी देखेंगे ना, पानोरामिक सनरूफ का ऑप्शन ये आपको ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि जो इनका इंजन है K15C सीरीज़ का पेट्रोल इंजन है, जो कि आप इससे पहले ऑलरेडी अर्टिगा और एक्सल 6 में देख चुके हैं, तो उस इंजन के आने से इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है बहुत कॉम्पिटेटिव रह सकती है। तो ये रही गाड़ी बाहर से। अभी जो एक्सपेक्टेशन आ रही है वो 12 लाख से नीचे इसका बेस मॉडल स्टार्ट हो सकता है, और अगर आप हाइब्रिड की बात करें तो 20 से लेके 22 लाख के रेंज में इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सिस्टम आपको ऑफर किया जाएगा। और ये देखिए इसकी सनरूफ, अगर आप देखेंगे सारे रूफ रेल वाले पार्ट को तो ये कुछ है भाई साहब इसका रूफ रेल, जो कि फुल ऑन एल्युमिनियम में ऑफर किया गया। और यहाँ पर आपको बड़ी पानोरामिक सनरूफ है, क्रेटा में इससे थोड़ी बड़ी मिलती है, लेकिन इसका साइज़ भी कोई शिकायत वाली बात नहीं है। अब आइए मैं आपको इसका एक बार ना इंजन वाला डिपार्टमेंट दिखाया था वहाँ पर किया है, और इंटीरियर कैसा कुछ आपको मिलता है वो देखेंगे आप अभी। तो भाई साहब पहले इंजन समझते हैं फिर इंटीरियर में चलेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, टोयोटा ने बहुत बढ़िया तरीके से अपना जो पूरा हाइब्रिड सिस्टम है वो समझाने की कोशिश की गई है। कुछ अलग अलग जब आप गाड़ी चलाएंगे ना अलग अलग सिनेरियोज आपके सामने आएंगे। एक बार गाड़ी स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के बाद वो सिर्फ ईवी मोड में चल सकती है, करीब 40 किलोमीटर पर आवर तक वो अपने ईवी मोड में ही चल सकती है। जैसे ही उसकी बैटरी का जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली इंजन स्टार्ट होकर एक जनरेटर को ड्राइव करेगा, जिससे आपकी बैटरी अगेन चार्ज हो जाएगी। यहीं पर इंजन स्टार्ट हो रहा है, एक कंडीशन आएगी कि आप क्रूज़ कर रहे होंगे, एक कंडीशन आएगी जब आप स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन कर रहे होंगे, एक कंडीशन आएगी जब आप ब्रेकिंग कर रहे होंगे, और एक कंडीशन आएगी जब आप रिवर्स कर रहे होंगे। कैसा एनर्जी फ्लो है इसकी वीडियो कभी बना लेंगे। जैसे देखिए रेडियो ऑन कर रहे हैं तो पीछे बैटरी है, ये इसका आपको इन्वर्टर कन्वर्टर इसका पूरा सिस्टम है। एक मोटर जनरेटर सेट 1 है, मोटर जनरेटर सेट 2 है, यहाँ पर इसका पूरा गियर बॉक्स है। ये टोयोटा का नया इंजन है जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आएगा। ये इनका डिफरेंशियल दिया गया और ये फ्रंट के एक्सल है। कैसे वर्किंग है मैं आपको रियल लाइफ में यहाँ समझाता हूँ। तो यहाँ पर आइए देखिए इसके नीचे, तो सबसे पहले बॉनेट ओपन करेंगे ना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया गया, शीट मेटल में वेट अच्छा खासा है जो कि आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अच्छी खासी आपको यहाँ पर फायरवॉल दी गई है, जिससे कैबिन काफ़ी साइलेंट आपको फील होगा। तो ये है टोयोटा का नया इंजन जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ मिलेगा। ये 1.5 लीटर सीरीज़ में ही है, लेकिन ये इनका TNGA प्लेटफॉर्म के ऊपर से उठाया गया इंजन है। आप बाहर देखते हैं टोयोटा की यारिस क्रॉस गाड़ी आती है, उसका ही पूरा हाइब्रिड सिस्टम है। इसका कोड नेम है M15, जो सुजुकी वाला इंजन है जो कि नियो ड्राइव सीरीज़ में आएगा उसका कोड नेम है K15। ये M15 जो इंजन है ये 3 सिलेंडर इंजन है, 3 आप इंजेक्टर देखेंगे 1, 2, 3, ये 4 सिलेंडर नहीं है, 3 सिलेंडर है। तो इससे क्या रहता है कि इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है ये ज़्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ी बहुत जो NVH है वो भी इंक्रीज़ होंगे, लेकिन मेन जो गोल है वो है माइलेज को बढ़ाना, वो आपको यहाँ मिलेगा। और उसी के साथ देखेंगे जो फ्रंट में सारा इंटेक वाला पार्ट है यहाँ रखा गया है, EGR वाला डिपार्टमेंट इस साइड है, दो आपको कैमशाफ्ट मिलेगी, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट आप देखेंगे। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारा कैटेलिटिक कन्वर्टर और जो उसका हीटिंग सिस्टम है वो ऑफर किया गया है। बैटरी का प्लेसमेंट जो कि एक ऑक्सिलरी बैटरी है 12 वोल्ट की लेड एसिड यहाँ है, और जो मेन बैटरी मैंने आपको दिखाई जो कि 177.6 वोल्ट पे काम करती है वो यहाँ प्लेस की गई है। दोबारा बैटरी आपको दिखानी है, चलिए ये बैटरी है इसमें प्लेस किया गया, देखिए 177.6 वोल्ट इसकी चार्जिंग वोल्टेज है। और टोटल इस बैटरी पैक के अंदर 48 सेल लगाए गए हैं, हर एक सेल का अपना वोल्टेज है 3.7 वोल्टेज का। ये बैटरी से पावर एक इन्वर्टर की ओर जाती है जो कि एक एसी करंट बाहर निकालेगा, 3 फेज का एसी करंट होगा, उसकी वोल्टेज है 580 वोल्ट की, और वो 580 वोल्ट की एनर्जी से जो AC 3 फेज आएगी उससे जो इसमें एक मोटर लगी हुई है जो कि यहाँ पर डेमो देख सकते हैं, MG2 और MG1 मोटर जनरेटर 1 सेट, मोटर जनरेटर 2 सेट, 580 वोल्ट की 3 फेज AC से इसको चलाया जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक चल सकती है। तो यही कुछ है सब कुछ, ये इनका नया इंजन है, मारुति और सुजुकी वाला इंजन नहीं है, ये टोयोटा का अपना इंजन है, तो ये अच्छी बात है। और जो इंटरनेशनल गाड़ियों में आता है वही सब कुछ दिया गया है, सारा हाइब्रिड सिस्टम को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कब कंट्रोल होगा, कब स्विचिंग होगी, वो सब देखेंगे। अब देखते हैं इस गाड़ी के गेयरबॉक्स में, तो इसमें आपको कोई भी मैनुअल का ऑप्शन नहीं है, और जैसे इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ नहीं आएगा। इसमें इसी के साथ जो इनबिल्ट आपका ECVT जैसे CVT ट्रांसमिशन आपने बाकी कैमरी के अंदर देखा है वही चीज़ है, तो CVT के साथ इसको मेट किया गया तो ऐसे कुछ काम करेगा। तो ये रही गाड़ी पूरी,
इसके पावर फिगर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जो टोयोटा ने हमसे शेयर करे हुए। तो इस इंजन की जो अपनी पावर है वो है 92.4 PS की, 92 हॉर्स पावर ये इंजन अपने से बनाएगा और 122 NM का मैक्सिमम इसका टॉर्क है। इस इंजन की बात कर रहा हूँ जो K15 अर्बन क्रूजर में अभी तक आता था उसकी बात नहीं हो रही है। इसके अपने से एसी है 1490 CC का और अगर आप इसको पूरा एक हाइब्रिड सिस्टम की तरह यूज़ करेंगे जहाँ पर मोटर भी पावर लगा रही होगी और इंजन भी पावर लगा रहा होगा तब आपको जो रियल पावर बाहर मिलेगी वो मैक्सिमम पावर यहाँ पर सिस्टम की पावर बात की जा रही है 115 हॉर्स पावर की, यानी कि सेम है जो क्रेटा अपने पेट्रोल में देती है। 115 PS की पावर है और टॉर्क 141 NM का मैक्सिमम टॉर्क रहेगा। लेकिन सेम टू सेम देखिए अभी इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया तो 115 PS की पावर और 141 NM का मैक्सिमम टॉर्क ये हाइब्रिड सिस्टम आपको ऑफर करने वाला है जब इंजन और मोटर दोनों एक साथ पावर बना रही होगी। तो इंजन देखा आपने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ है क्योंकि उसकी बैटरी की पावर डिस्चार्ज हो गई थी क्योंकि यहाँ पर अभी हेडलैम्प चल रहे हैं क्योंकि ये जो बैटरी है ना ये भी उसी मेन बैटरी से चार्ज हो रही है। मतलब बहुत सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सही तरीके से बनाया गया है, इसको कोई भी शॉर्टकट नहीं मारा गया इसमें। और यहाँ पर आपको पैसिव एंट्री के लिए ये कुछ ऑफर किया गया है और डोर को बंद करते क्या क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी दी गई है, शीट मेटल काफ़ी सही यूज़ किया गया इसमें। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये सुजुकी का प्लेटफॉर्म है, टेक प्लेटफॉर्म कहते हैं इसको, मैं कहूँ अच्छा है। ग्लोबल एनकैप ने भी 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इसको दी हुई है। अब आप देख रहे हैं आपकी जो नई टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर है उसके इंटीरियर को, इंटीरियर में टोयोटा ने बहुत सही काम करा है। जो एक टोयोटा कैमरी में आपको लग्जूरियस इंटीरियर मिलते हैं वही कुछ दिए गए यहाँ पर देखिए। सबसे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक थीम बनाने के लिए यहाँ पर ब्लू शेड में दिया गया इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन, थोड़ा क्रोम बेजल दिए गए। उसी के साथ हेडअप डिस्प्ले अभी फंक्शनिंग नहीं हो रही है लेकिन हेडअप डिस्प्ले सिमिलर है जैसे आपने बलिनो और ब्रेजा में देखी है। 360 डिग्री का कैमरा ऑफर किया गया जिसका कैमरा मॉड्यूल मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया हुआ था देख सकते हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको ब्लैक कलर के सारे प्लास्टिक मटेरियल है, कुछ ग्रे फिनिश में यहाँ प्लास्टिक है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा क्रोम डोर हैंडल। अब देखिए इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया क्योंकि उसने उस बैटरी को चार्ज कर दिया अगेन 177.6 वोल्ट की जिसकी वर्किंग वोल्टेज है और 580 वोल्ट एक इन्वर्टर बनाता है जिससे इस इंजन के साथ ही लगी मोटर चलती है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है लेकिन अच्छे से किया गया है और यहाँ पर भी फुल ऑन लेदर है, अच्छी स्टिचिंग की गई है। ऑल फोर डोर्स में पावर विंडो है, वन टच डाउन का फंक्शन नहीं है, वन टच अप का बहुत इजीली दिख रहा है वो अभी हम आप फोल्डेबल देख सकते हैं। ये इसका टॉप एंड मॉडल है तो सारे फंक्शन मिलने वाले हैं, पानोरामिक सनरूफ है, सब कुछ है। वहीं अगर हम नियो ड्राइव में भी टॉप मॉडल वी मॉडल लेंगे उसमें भी पानोरामिक सनरूफ है तो सही फंक्शन है ये भी। और ये प्लास्टिक क्वालिटी सिमिलर है जैसे ब्रेजा और इनमें आई हुई है। और गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर 2 ट्वीटर्स मिलते हैं और साउंड क्वालिटी भी ठीक है इसकी। इसमें देखिए एक जो यहाँ पर है आपको मैनुअली सीट एडजस्ट करने का फंक्शन दिया गया है, अगर पावर्ड रहता तो और बेटर था लेकिन मैनुअली है। सीट की क्वालिटी अच्छी दी गई है, जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है ये भी इंडिया के हिसाब से काफ़ी रफ एंड टफ बनाया गया है। थोड़ा आपको रिच कॉफ़ी शेड दिया गया जो कि मैं कहूँ थोड़ा डार्कर शेड है और लेस मेंटेनेंस मांगेगा, जल्दी गंदा नहीं होगा। परफोरेशन भी इसमें ऑफर किया गया। अब ये गाड़ी क्योंकि फुली हाइब्रिड है तो भाई साहब इसमें जो CVT ट्रांसमिशन है उसके साथ मेटेड है तो कोई क्लच का झंझट नहीं है। तो यहाँ पर आपको ब्रेक एक्सेलेटर बस मिलेगा, उसी के साथ यहाँ पर आपको एक डेड पेडल दिया गया बहुत बड़ा सा है, अच्छा खासा कंफर्ट आप ले सकते हैं। फ्यूल लिड को आप वहीं से ओपन कर लेंगे जैसे नॉर्मल गाड़ी में रहता है। आप बैठ के देखते हैं इसमें एक बार इसकी आप पानोरामिक सनरूफ भी देख लीजिए। तो टोयोटा की पहली गाड़ी है जो इस बजट में आपको अच्छा सनरूफ दे रही है, वो भी सही चीज़ है। अब हम आगे हैं इसके अंदर तो यहाँ से एक बार आप व्यू देखेंगे ना तो टोयोटा ने क्योंकि इस गाड़ी को एक प्रॉपर SUV वाली फील दी है तो अच्छा आपको ऊंचा बॉनेट मिलेगा देख सकते हैं आप। उसी के साथ जो अंदर आपको सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है पूरा वो काफ़ी अच्छा किया गया है। 7 इंच की यहाँ पर आपको स्क्रीन दी गई है, कुछ यहाँ पर वार्निंग शो कर रहा है क्योंकि ये गाड़ी अभी डिस्प्ले में आया है तो वो इसीलिए ये हेडअप डिस्प्ले भी काम नहीं कर रहा है। क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन मिल रहा है और क्रूज़ कंट्रोल आपको इसके सेकंड बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है तो जो लोग इसको हाईवे के लिए ले रहे हैं उनके लिए बहुत सही ऑप्शन है। ब्लूटूथ और ये सारे फंक्शन यहीं पर दिए गए। स्टेयरिंग आपको XL6 वाला नहीं मिलेगा इसमें, जो टोयोटा की यारिस क्रॉस इंटरनेशनली सेल की जाती है वाला स्टीयरिंग दिया गया, बिल्कुल गोल है देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। टोयोटा यारिस क्रॉस उसका स्टीयरिंग है काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्पोर्टी है, काफ़ी मस्कुलर भी लग रहा है। एक बार आपको हॉर्न सुनाए थे तो ऐसा काफ़ी पतला हॉर्न दिया गया, सही है, प्रीमियम फील है। स्टीयरिंग आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन दे रहा है, आपको वाइपर साइड भी सारे कंट्रोल मिलेंगे और लाइट साइड भी सारे कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकी 9 इंच की स्क्रीन है जो कि आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा मैं आपको यहाँ से बार बार दिखा रहा था तो ये ठीक है। इसको मैं दोबारा होम करता हूँ, इसमें क्या क्या फंक्शनिंग मिलेगी यहाँ से हम इसको म्यूट कर देते हैं और बेसिकली सारे फंक्शन वही है लेकिन इसमें अब आपको टोयोटा कनेक्ट का सपोर्ट मिलता है तो ये गाड़ी थोड़ी बहुत कनेक्टेड फीचर भी आपको देगी। गाड़ी की लोकेशन, जियो फेंसिंग वो सब कुछ आप कर पाएंगे बहुत ईजिली। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल गाड़ी में काफ़ी शानदार है, गाड़ी में टोटल आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, IRVM देखेंगे, फुली ऑटोमेटिक में देख पा रहा हूँ और जिसकी विजिबिलिटी पीछे देखेंगे ना अभी
थोड़ा पार्सल ट्रे ऊपर है तो विजिबिलिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, लेकिन विजिबिलिटी अच्छी दी गई है। यहाँ पर आपको हैलोजन के साथ दिए गए सारे रेडिंग लैंप्स, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मच अवेटेड फीचर था टोयोटा की लाइनअप से वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि है इनकी पानोरामिक सनरूफ। देखेंगे कितनी ज़्यादा ओपन हो रही है, बहुत अच्छा ग्लास एरिया दे रहा है। तो मेन हमारा ना मकसद भी यही था कि आपको ये कुछ फंक्शन दिखाए जो टोयोटा आपको देगी इस प्राइस सेगमेंट में। तो अभी हमने इसकी फुल सनरूफ ओपन कर ली है, ये बस कितनी जाती है, ये पूरी पीछे तक जाएगी। और बाहर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बाहर से भी देखेंगे तो सनरूफ इतनी कुछ ओपन होती है, इसमें साइज़ काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं नॉर्मल सनरूफ से तो बहुत बड़ी है, और ग्लास इतना कुछ ओपन होगा इसका बाहर की तरफ से सनरूफ के मामले में। और कुछ और फंक्शन समझते हैं क्या कुछ है। सेंटर कंसोल में आएंगे तो यहाँ पर आपको फुली ऑटोमेटिक एसी ऑफ किया गया है, यहाँ पर मटेरियल काफ़ी क्वालिटी वाला दिया गया, अच्छी चीज़ दी गई है, पियानो ब्लैक के साथ है। नीचे आएंगे तो आपको कुछ फर्स्ट एड, ये तो बेसिक है, लेकिन इसमें आपको लाइटिंग और ये सब कुछ दिया गया, लेकिन अंदर की तरफ प्लेस किया गया। और यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी है, स्टिचिंग के साथ ऑफर किया गया। नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का फंक्शन है, हिल होल्ड और ये सारे फंक्शन भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो ऑल व्हील ड्राइव की वीडियो में ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। और जो इनका टोयोटा का ECVT वाला सिस्टम है, जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन है, वो चीज़ दी गई है, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, और एक तरीके से एक और मोड है जिसमें ज़्यादा टॉक के साथ गाड़ी चढ़ेगी जब गाड़ी को चौड़ाई में चढ़ाना होगा। और यहाँ पर वायरलेस चार्जर दिया गया है, इसमें आपको कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस मिलेगा, तो ये भी सही फंक्शन है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि ड्राइव मोड और EV मोड, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको गाड़ी बैटरी के ऊपर चलानी है या सीधा आप चाहते हैं कि गाड़ी इंजन के ऊपर चले, आपके ऊपर है। वेंटिलेटेड सीट का फंक्शन दिया गया है, जिससे इन सीटों से ठंडी ठंडी हवा आएगी, वेंटिलेशन ज़्यादा बेटर होगा। और ब्लोअर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर देखेंगे इसका हैंडरेस्ट है, जो पार्किंग ब्रेक है जिसमें क्रोम का यूज़ किया गया है, साथ ही जो ये इसकी सीटिंग है, हाइट है, काफ़ी अच्छी दी गई है। और सीट बेल्ट भी देखेंगे, ये भी आपको हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ दी गई है। अब देखिए मैं सर से कहता हूँ, सर एक बार बैठिए, क्या सर इंग्रेस इग्रेस सर बैठ रहे, देखिए तो काफ़ी कंफर्टेबली आप बैठेंगे गाड़ी में, बैठने की ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, सर के लिए हेडरूम भी देखेंगे ना, ठीक है सर की हाइट 5.5 फीट से के रेंज में है, लेकिन कंफर्टेबली बैठेंगे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो नया इन्हें TFT सिस्टम दिया गया ड्राइवर क्लस्टर साइड, वो बहुत ज़्यादा एडवांस लग रहा है और लगेगा कि आप वो एक मॉडर्न गाड़ी चला रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कुछ है इसकी वीडियो भी दिखाएंगे कभी, लेकिन कैसे आपको दिखाते हैं पहले, 0 किलोमीटर पर आवर, मतलब सारे ही फंक्शन है, मतलब ओडोमीटर, ये रेंज, माइलेज आप देख सकते हैं 50 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज मैक्सिमम यहाँ पे सेट की गई है, लेकिन टोयोटा लगभग 26 किलोमीटर की रेंज में इसको कह रही है। अब आइए मैं आपको इसकी सेकंड रो दिखाता हूँ जल्दी से, और वही सबसे मेन चीज़ है, क्या यहाँ पर कंफर्ट है आपकी फैमिली के लिए। यहाँ पर जो प्लास्टिक मटेरियल दिया गया फुल ऑन ब्लैक में ऑफर किया गया, उसी के साथ यहाँ पर भी सॉफ्ट टच ऑफर किया गया, पियानो ब्लैक यहाँ देख पा रहा हूँ, और ऐसा कुछ ग्रेइश फिनिश में दिया गया, अच्छे तरीके से काफ़ी थॉटफुली बनाया गया इसको। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना चढ़ना उतरना, तो इतना कुछ यहाँ पर अपर्चर दिया गया, थोड़ा सा साइज़ इसका स्मॉल है, कि किस अकॉर्डिंग इसका जो अपना अपर्चर है आ पाता है। तो सर देखिए काफ़ी इजीली बैठ गए, बाकी सर के साथ ऐसे ही दो और इसमें काफ़ी कंफर्टेबली आएंगे। एक और चीज़ आप देखिए, इसमें जो सीट है, जो बेंच है, वो आपको काफ़ी एक्सटेंडेड मिलेगी, मतलब अच्छी तरीके से आपको अंडर सपोर्ट या ऑफर करने वाले हैं। साथ ही जो सीट का सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है, ये भी आपको डार्कर शेड में दिया गया, तो थोड़ा स्पोर्टी फील आएगी। कप होल्डर काफ़ी बड़े देख पा रहा हूँ इसमें, इन सीट्स को आप फोल्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक और चीज़, तीनों पैसेंजर्स के लिए पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट स्टैंड ऑफर किए गए हैं, साथ ही जो सीट बेल्ट है, ये भी आपको 3 पॉइंट दी गई है तीनों पैसेंजर्स के लिए। एक बार मैं जल्द से बैठ के दिखाता हूँ और फिर हम इसको करते हैं यहीं पर दी एंड। इसका ड्राइव रिव्यू आपके लिए आने वाला है, कि आप चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर एक रियर एसी वेंट है, साथ ही आप देखेंगे पीछे भी USB स्लॉटिंग दी गई है, यहाँ से इसकी पूरी पानोरामिक सनरूफ का व्यू आप देख सकते हैं। सर ने देखिए इसका इंजन अभी स्टार्ट कर दिया है, तो अब हम इसको जाने वाली है यहाँ से, बाकी यहीं पर रिव्यू कंप्लीट होता है। प्राइसिंग मैंने आपको बताई कि 12 लाख की रेंज से स्टार्ट हो जाएगी और करीब 22 से लेकर 23 लाख की रेंज में इसका फुली ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हैवी सेल्फ चार्जिंग सिस्टम आपको मिलेगा। इसकी वेलकमिंग मैंने आपको दिखा दी थी, टोयोटा कनेक्ट का सारा सिस्टम रहने वाला है। और यहाँ पर ये कुछ है, गाड़ी काफ़ी सॉलिड बनाई गई है, और यहाँ पर भी देखिए ना रेडिंग लैंप यहाँ दिए गए, लेकिन बढ़िया LED होते तो और बेटर, थोड़ा आपको प्रीमियम फील आ सकता था, लेकिन ऐसे कोई शॉर्ट कमिंग नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो और बेटर हो सकती है, लेकिन मेन चीज़ है इसकी प्राइसिंग और जो टोयोटा की रिलायबिलिटी है, जिस हिसाब से आपको सर्विस कॉस्ट कम पड़ देगी इस गाड़ी की, वो इसको सबसे प्लस पॉइंट देती है। पीछे भी मैगजीन होल्डर और ये चीज़ें हैं, और ये सीट मैंने आपको रिक्लाइन करके दिखा दी। तो ये कुछ रहा अपना ये रिव्यू, और गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल बनाई है, जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है वो भी ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है,
तो ये कुछ रही आपकी टोयोटा की अर्बन क्रूज़र हाई राइडर। उम्मीद है कि आपको गाड़ी बहुत पसंद आई होगी। ये कलर ऑप्शन है इसका, स्पोर्टिन रेड कलर ऑप्शन। एक बार आपको टायर साइज़ भी मैं बताता हूँ, 215/60/R17 215/60 सेक्शन रेडियल 17 का टायर है। फुली एल्यूमिनियम अलॉय है जो कि आपको प्रिसीजन कट के साथ मिलेगा, और उसके साथ थोड़ा सा डार्कर शेड, थोड़ा ग्रे शेड दिया गया है। आगे आपको इसमें वेंटिलेटेड डिस्क का फंक्शन ऑफर किया गया है, और पीछे देखेंगे तो सॉलिड डिस्क है, तो मतलब स्पोर्टी बाइट मिलेगी। अब गाड़ी देखिए चल रही है किस हिसाब से, आपको सारी की सारी जो मैं कहूँ इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस है वो देखने को मिलेगी। ऐसी कुछ दिखती है लाइट वाइज गाड़ी। पीछे जो रिवर्स कैमरा है, रिवर्स लैंप है, वो ऐसा दिखेगा। और टर्निंग रेडियस की बात करें तो टर्निंग रेडियस भी गाड़ी का काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अब इसकी जो रूफ थोड़ी स्लोपिंग आ रही है, उससे गाड़ी का जो मॉडर्न करेक्टर है वो और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये कुछ रही अपनी टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर। नाम थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन अच्छी मार्केट ये पकड़ने वाली है, वो शॉर्ट शॉर्ट है। मुझे इंतज़ार है इसके ड्राइव का, जो मैं आपसे शेयर करूँगा काफ़ी जल्द। और साइड से भी देखिए तो गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। गाड़ी में कट्स और क्रीजेज वाइज देखी जाए तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी गाड़ी को बिल्कुल सेम रेप्लिकेट किया गया, बिल्कुल अलग डिज़ाइन है, नया मॉडर्न डिज़ाइन है। तो ये कुछ रही गाड़ी। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। ग्राउंड क्लियरेंस में बताना भूल गया आपको, इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, अभी टोयोटा की टीम हमें बता रही थी कि 211 मिलीमीटर की रेंज में ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि लग भी रहा है क्योंकि ब्रेज़ा और अर्बन क्रूज़र का 198 मिलीमीटर की रेंज में ग्राउंड क्लियरेंस है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ से देखिए ठीक लग रहा है, 211 या फिर 200 जो एक्चुअल फिगर होगा वो बाद में शेयर करता हूँ आपसे। और लाइट्स की बात करें तो रात के समय में भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है दे पा रही है, ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न गाड़ी है। जो फॉर्च्यूनर है ना, हल्की फुल्की उसी को रिजेंबल भी कर रही है। तो ये कुछ रही, मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।